साथियों, हमारे व्यवहार में, हमारे संसाधनों में, हमारे साधनों में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकता का इस अमृतकाल का प्रमुख लक्ष्य है। और साथियों, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है, लेकिन आधुनिक होते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार उससे भी बहुत बड़ा है, उसके बहुत पहलू है। आज भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा है। मैं आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देता हूं। आज देश में एम्स की संख्या पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी 50% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें मेडिकल की आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए किस तरह काम कर रहा है। आज देश में नई IITs, IIIT, वैज्ञानिक संस्थाओं का आधुनिक नेटवर्क लगातार विस्तार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। बीते 3 वर्षों में 6.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को पाइप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का महाअभियान भी चल रहा है। भारत का ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक न्याय को और समृद्ध कर रहा है। साथियों, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। आज देश में तेजी से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो उतने ही तेजी से अलग अलग शहरों में मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। आज देश में अनेकों नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं तो वॉटरवे की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि की जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तो भारत आज पूरे विश्व के अग्रणी देशों में अपनी जगह बना चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना हो, डिजिटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड हो, भारत की डिजिटल प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कार्यों के बीच भारत में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया गया है उसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई है। प्रसाद स्कीम के तहत देश के अनेकों तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। काशी, केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर करतारपुर साहब कॉरिडोर तक के लिए जो कार्य हुआ है वह अभूतपूर्व है। और साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं से जुड़ा हुआ हो, जो हमारी विरासत से जुड़ा हो, उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम, पीएम म्यूजियम हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल हो या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल, ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण है। ये परिभाषित करते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है और कैसे हम इन्हें सहज रहे हैं। एक आकांक्षी भारत, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। आर्किटेक्चर से लेकर के आदर्शों तक आपको यहां भारतीय संस्कृति के दर्शन भी होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं
आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नव निर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी।